हेलो, ठीक है, अब मैं ऑडिबल हूँ। एक्चुअली भाई वो कुछ वाईफाई की दिक्कत की वजह से जो है कनेक्शन कट गया था। ठीक है, तो हम भीड़ गार्डियन एक्सरसाइज के ऊपर थे, यानी कि अगर ठीक है, तो मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर कोई भी युद्धाभ्यास करना पड़ जाए तो हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया और जापान के बीच में, ये जापान में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे पृथ्वी सेकेंड बसाल्टिक मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो अगर बात करें हम पृथ्वी सेकेंड बाल्टिक मिसाइल के बारे में, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये शॉर्ट रेंज साल्टिक मिसाइल है, पृथ्वी सेकंड इंटरग्रेटेड यानी कि ITR इंटरग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से जो है क्या किया गया था, पोस्ट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है, और साथ ही साथ पृथ्वी सेकंड इसका जो पेलोड की कैपेसिटी है ठीक है, तो 500 to 1000 kg जो है ये अपने साथ पेलोड ले जा सकती है। उसके बाद कुछ और भी जो है 5 मिसाइल्स डेवलपमेंट की गई हैं। ठीक है, अंडर दी इंटरग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, जिसमें कि आप इसको 5 मिसाइल को कैसे याद रख सकते हो, पटना से याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि P4 पृथ्वी जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। उसके बाद अग्नि, अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल है। उसके बाद त्रिशूल, ठीक है, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद नाग, ठीक है, ये जो जनरेशन वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद आकाश जो है वो कौन सा है, वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो इसीलिए कोई बात नहीं बेटा, वो बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी जो मिसाइल्स हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन ही बात करेंगे हम समुद्रयान मिशन के बारे में। ठीक है, इंडिया ने जो है सेंड किया है 6000 मीटर सी के डीप अंदर रिसर्च के लिए एक मिशन भेजा जाएगा, जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। ठीक है, ये जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक है, उन्होंने इसका जो व्हीकल का नाम है, ये वाला जो व्हीकल आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मत्स्य 6000 के नाम से है। ठीक है, इसमें 3 लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसको जो डेवलप किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। ठीक है, और ये जो 12 R के लिए नॉर्मल प्रोटेक्शन और 96 R के लिए जो है क्या है इमरजेंसी ह्यूमन सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद ठीक है, ये डीप मिशन ओशियन है जिसको कि डेवलप किया, अनाउंस किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक्नोलॉजी विद द इसरो गगनयान मिशन के द्वारा। ठीक है, यानी कि 6000 मीटर अंडर जो है इसको भेजा जाएगा। ठीक है, ये जो अप्रूव्ड किया गया था वो जून 2021 में किया गया था, पर इस पे जो पूरी कॉस्ट आएगी वो 4077 करोड़ रुपीज आएगी। उसके बाद ए बी गंगा विलास क्रूज है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, इसमें ये है कि आप इस क्रूज, सुंदर से क्रूज में बैठकर ठीक है अलग अलग जगह की जो है यात्रा कर सकते हो। इसमें 51 डेज की जो है आपकी यात्रा रहेगी, जो कि बाया गंगा उत्तर प्रदेश बिहार बांग्लादेश और असम की जर्नी आपको घुमाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे एक्सरसाइज वरुणा के बारे में। ठीक है, 21st जो एडिशन है नेवल एक्सरसाइज का, जिसका नाम है वरुणा, वो 16 से लेके 20 जनवरी तक चला। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ। तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में बेटा कुछ और भी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि वरुणा नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन 2023 के बारे में। ठीक है,
ये ऑफिशियली नोन एज यूनेस इंडिया ओपन, ठीक है, 2023, जो कि न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 17 जनवरी से ये शुरू हुआ था और 22 जनवरी तक ये चला था, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा केडी जादव इंडोर हॉल में, ठीक है, जिसमें कि सिंस 2008 से ये चल रहा है, ठीक है। कौन कौन जीता? सिंगल्स मैन में जो है लक्ष्य सेन जीता था इंडिया के, और वुमेन सिंगल्स में जो है वो शैनन उबान ब्रांगपन थाईलैंड से जीते थे, और मैन डबल्स में जो है वो स्वास्तिक साईराज रणिके रेड्डी जीते थे और चिराग शेट्टी इंडिया के, ये जो है दोनों जीते थे। उसके बाद एक्सरसाइज सेक्लोन, ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया एंड इजिप्ट आर्मी के बीच में पहली बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जो कि जैसलमेर राजस्थान में होगी, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, 23 जनवरी जब सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ होता है, बर्थ एनिवर्सरी मनाते हम पराक्रम दिवस, ठीक है, तो उस दिन ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट किया गया है, यानी कि ये दो कैटेगरीज में दिया जाता है, इंडिविजुअल को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ठीक है। इंडिविजुअल्स को 5 लाख रुपए और ऑर्गेनाइजेशन को जो है 51 लाख रुपीज दिया जाता है, जिन्होंने की यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है क्या किया हो, काम किया हो। उसके बाद अंडेमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, 21 आइलैंड के जो है नेम चेंज किए गए हैं, जिनको कि परमवीर चक्रा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इससे पहले भी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नाम चेंज कर रह चुकी है, ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रोज आइलैंड नेम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, द्वीप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। आपको ये पूछने वाला नहीं है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि अंडेमान निकोबार, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, 11 चिल्ड्रन को दिया गया, जिसमें कि 6 बॉयज थे, 5 जो है गर्ल्स थी, कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये जो दिया जाता है 5 से 18 साल के बीच में दिया जाता है, जिन्होंने कि इन 6 कैटेगरी में अच्छा काम किया हो, यानी कि आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस, कॉलेज स्पोर्ट्स में, ठीक है। इसमें 1 लाख कैश प्राइज दिया जाता है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हमारा इम्पोर्टेंट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे में हो गया था, इम्पोर्टेंट डेज में, ठीक है, इनको हम नहीं करेंगे, दोबारा रिपीट होगा। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम थी, इन्वेस्ट इन दी पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। इस बार का जो गर्ल ईयर था वो गर्ल्स को डेडिकेट था, वुमेन अफगानिस्तान का, ठीक है, और 2018 में इसको शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। हॉकी एंड इंडिया, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक ने रिलीज किया है हॉकी एंड इंडिया को एक गोल्डन लेगेसी बुक, स्पोर्ट्स स्टार इंडियन हॉकी, ठीक है, इसमें जो है मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन दी मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी कि लोगों को प्रमोट करना कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स जो है वो खाएं, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये तिरुपुरा वाशिनी बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें 250 स्टॉल्स मिलेट्स ये जो है वो लिखा गया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद जूस, ठीक है, जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोजर, ठीक है, अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया, ठीक है, यानी कि ये जो जुपिटर के मून है उनकी स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा बाय दी यूरोप, यूरोप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। मेजर मून के जो जुपिटर है, जुपिटर के जो मून्स हैं वो कौन कौन से, गाइनीमेडा, यूरोप एंड कैलिस्टो। उसके बाद नेक्स्ट बार बात करेंगे हम ट्रोपेक्स एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। ट्रोपेक्स एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हुई थी, कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट वन इज दी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सुकुमार यादव को जो है ICC T20 क्रिकेट ऑफ इंडिया ईयर जो है मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में जो है बताया गया है कि उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, बट आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद लाला लाजपत राय 28 जनवरी को जो है पे ट्रिब्यूट किया लाला लाजपत राय जी को, ठीक है, इनका जो जन्म था, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है, उदी के नियर लुधियाना
पंजाब 1865 में हुआ था, ठीक है। ये फॉलोवर थे दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था 16th की एज में ही। उसके बाद इन्होंने DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो है लाहौर में इस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने 1897 में लाहौर में हिंदू रिलीफ मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी एडवोकेट किया, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के दौरान चलाया गया था। और इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क इन 1917 में जो है शुरू किया गया था। ये इलेक्ट हुए थे इंडियन नेशनल स्पेशल सेशन कोलकाता का, जहाँ पे गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। और 1928 में साइमन कमीशन के दौरान, ठीक है, विरोध करते हुए इनको लाठीचार्ज के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट साबा क्रोशी हैं, वो इंडिया में विजिट करेंगे, इसीलिए ये जो है न्यूज़ में आया था, बट आपको ये प्रेसिडेंट याद रखना है, साबा क्रोशी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी क्रेच रिपब्लिक, ठीक है। पैथर पेबल, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ दी नाटो मिलिट्री कमेटी, बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ दी क्रेच रिपब्लिक के, जो है क्या बने, प्रेसिडेंट बने हैं। अगर बात करें तो ये लैंड लॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप की, इसकी जो कैपिटल है वो प्राग्वे है, और करेंसी जो है वो क्रिच उरुना है। उसके बाद नेक्स्ट वन एनसीसी के बारे में, 28 जो जनवरी है वो रिलीज किया स्पेशल डेज कॉमेमोरेट दी मिंट 75 का, जो है कॉइन्स निकाला गया, ठीक है, क्योंकि इसको भी जो है 75 साल हो चुके हैं। 28 जो कॉमरेशन के एम करियप्पा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था पहली बार, और 196 ऑफिसर और 19 फॉरनर कंट्रीज में जो है इसने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगर एनसीसी की बात करें तो 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय दी एच एन कुंजरू कमेटी 1946 अंडर दी नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948, ठीक है। ये लार्जेस्ट बेटा जो जूथ है उसको ट्रेन करना, ठीक है, और इसकी मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और डायरेक्टर जनरल जो है वो लेफ्टिनेंट कृपाल सिंह है। उसके बाद बजरंग सेतु, ठीक है, ये एशिया का सेकेंड और कंट्री का फर्स्ट पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, बजरंग सेतु कहाँ पे, ऋषिकेश उत्तराखंड में। ये जो रिप्लेस करेगा वो लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसकी जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है, और उसको बंद कर दिया गया था 2022 में, ठीक है। और इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 67 करोड़ रुपीज आएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेशनल गर्ल साइंस कांग्रेस थी, ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात में कंडक्ट हुई, ठीक है। इसमें जो है यानी कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक जो फील्ड है उसमें पार्टिसिपेट करवाना, ये इसका मेन मोटिव है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली।